वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो मैं देख के आ रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग बीस्ट मूवी, जिसमें विजय सारापति सर हैं, इसकी हिंदी वर्जन रॉ को। तो इस फिल्म के बारे में टोटल बात करने वाले हैं कि इस मूवी में क्या पसंद आई मुझे, क्या पसंद नहीं आई। जहाँ अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ पूरी मूवी के बारे में, तो मूवी एक डिसेंट मूवी आपको लगने वाली है, क्योंकि आपको इस तरह की जो स्टोरी लाइन है आप लोगों ने पहले भी देख चुका है हाईजैक में जो फिल्म बना हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे सलमान भाई भी इससे गुस्सा होंगे इस मूवी से, क्योंकि उनकी जो टाइगर जो फ्रेंचाइजीज मूवी है उसमें से ये एक स्टोरी थी जो वो एक अच्छी फिल्म बना सकते थे। बाकी मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूंगा, फिल्म स्टार्ट होती है हमारी इंट्रो जो फाइट सीन है, विजय सर एज अ वीरा राघवान एज अ रॉ ऑफिसर, क्या बेहतरीन यार कारगिल में जो इंट्रो फाइट सीन है। और उनके एक्शन सीन्स को ब्लॉक किया गया, जो उनके एक्शन डायरेक्टर रहे होंगे उन्होंने इतने अच्छा से एक्शन को मतलब कि क्रिएट किया गया कि बेहतरीन आप लोगों को वो फ्रेश लगने वाली है। और उसके साथ में जो विजय सर का स्वैग चलता है, मतलब एक तरफ वो मार रहे हैं उसके बाद में जो स्वैग में एकदम कामनेस उनके जो नजर आती है। अगर हम बात करें सेकेंड लीड रोल इस मूवी के, जहां पर पूजा हेगड़े एज अ प्रीति रोल प्ले करते हुए नजर आ रही है, और मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा आप लोग इसमें सिर्फ विजय सर को देखने जाएंगे, क्योंकि 85% पूरी स्क्रीन पे वही नजर आएंगे और ब्लॉकबस्टर नजर आएंगे। उसके बाद में हमारे रॉ ऑफिसर कैसे मॉल पे होते हैं, और मॉल पे आप लोगों ने जैसे ट्रेलर पे देखा था जो हाईजैक होता है उनके फास्ट से लेकर जैसे वो उस मॉल पे पहुंचते हैं वहां पर थोड़ी सी मुझे स्क्रीन लैग लगती है फिल्म। बाकी फिल्म जैसे इंटर करती है मॉल पे ब्लॉकबस्टर बीजीएम की बरसात होने लगती है, और बीजीएम क्या लगती है इस मूवी पे। और दोस्तों आप लोग अगर इंतजार करोगे उस मूवी आरबी जो कतूस में गाना है वो आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है, आपको कोई भी इंतजार नहीं करवाया जाता है इस मूवी पे। बाकी फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे पंचेस आते हैं जो आप लोगों को एंजॉय करवाएंगे, और सेकेंड हाफ में पूरे विजय सर की राज चलती मूवी पे और वो पूरे इंड तक लेके जाते हैं। जो आप जो इस मूवी के क्लाइमेक्स वो काफी पसंद आने वाला है, जो क्लाइमेक्स सीन पे एक्शन किया गया। पहले बता दूं ये जो मूवी की स्टोरी है एक टिपिकल कमर्शियल मूवी है, तो आप लोग स्टोरी से उतना डिमांड मत रखिएगा, जहां पर हाईजैक होगी वहां पर आईएसएस कुछ तो डिमांड करेंगे ही, आप लोगों को पता ही होगा। उसी पे फिल्म पूरी बेस्ड है, क्लाइमेक्स पे क्या होता है, कैसे वो हॉस्टेज को सेव कर पाते हैं विजय सर यानी वीरा राघवान, उसी पे पूरी फिल्म बेस्ड है। अगर उसके बाद में बात करूं इस फिल्म में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, तो फिल्म की बीजीएम है वो काफी अच्छी लगी मुझे, जो आरबी कुतुब सॉन्ग है वो बेहतरीन लग रहा है, थिएटर एक्सपीरियंस करने वाला वो सॉन्ग है। बाकी मैं फिल्म की अगर मैं एक्शन लेवल की बात करूं तो काफी अच्छा है, विजय सर की जो एक्टिंग है वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। उसके बाद अगर मैं फिल्म मुझे क्या पसंद है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो कहीं कहीं पर फिल्म पिछड़ती हुई नजर आती है, यानी स्क्रीन प्ले पुअर नजर आती है, स्टोरी इसकी एक बैकड्रॉप होने वाली है, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी है टिपिकल है एकदम लीनियर मूवी की जो स्टोरी है, इस टाइप से आपको लगने वाली है फिल्म। बाकी आप लोगों की मूवी का अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं सिर्फ 5/3 स्टार देना चाहूंगा। बाकी आप लोग इस मूवी को देखने के लिए रिकमेंड की बात करें तो आप लोग बिल्कुल जाके इस मूवी को देख सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। बाकी आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे दोस्तों इसी तरह के मूवीज के अपडेट और मूवीज की रिव्यूज के लिए। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी रिव्यू आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।